जैन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अग्निवीर कौन कौन से कमांडो बन सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे आजकल भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर में, उनके लिए बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि हम कौन कौन से कमांडो बन सकते हैं और कौन कौन से कमांडो नहीं बन सकते हैं। तो हम दोनों ही चीज़ें कवर करेंगे कि कौन से आप कमांडो बन सकते हो अग्निवीर में भर्ती होके और कौन कौन से कमांडो आप नहीं बन सकते। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से कमांडो बन सकते हो आप। तो आप अगर इंडियन आर्मी में भर्ती हुए हो तो आप केवल दो कमांडो ही बन सकते हो। एक जो कि आप इंडियन आर्मी का इंटरनल कमांडो है, जिसे पैरा एसएफ कमांडो बोलते हैं, आप उसमें जा सकते हो। दूसरा है एनएसजी कमांडो। इन दो कमांडो में आप इंडियन आर्मी में भर्ती होके जा सकते हो। वो भी तब जा सकते हो जब या 4 साल की अपनी परमानेंट अवधि जो 25% लिए जाएंगे उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, तब आप कमांडो बन सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप नेवी में भर्ती हुए हो तो मार्कोस कमांडो बन सकते हो। अगर आप एयरफोर्स में भर्ती हुए हो तो आप गरुड़ कमांडो बन सकते हो। मतलब सेना, जो कि 3 सेनाएं होती हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनके तीनों के अग्निवीर की जो भर्ती होती है उसके लिए अगर बात कर ली जाए तो ये लोग किस में भर्ती हो सकते हैं, अपना इंटरनल कमांडो जो है आर्मी का पैरा एसएफ, एयरफोर्स का गरुड़ कमांडो और नेवी का मार्कोस कमांडो, इनमें भर्ती हो सकते हैं। और नेक्स्ट ये भर्ती हो सकते हैं एनएसजी में। बस यही कमांडो आपके लिए अथराइज हैं, बाकी कोई कुछ बोल रहा है तो वो आपको पागल बना रहा है। इससे ज़्यादा आप कोई कमांडो में भर्ती नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में मैं आप बात कर लेता हूं दोस्तों कि और कौन कौन से कमांडो में आप भर्ती हो सकते हो और कैसे भर्ती हो सकते हो। अगर आपने एसएससी जीडी की परीक्षा पास की है और आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसवी, आईटीबीपी, अगर आप इनमें भर्ती हुए हो तो आप कौन कौन से कमांडो बन सकते हो, आज हम ये भी बात करेंगे। क्योंकि ये एसएससी जीडी में जो भर्ती हो रहा है ये उनके लिए भी, बच्चों के लिए हो जाएगा, उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती हुए हो तो आप एसपीजी कमांडो बन सकते हो, आप एनएसजी कमांडो भी बन सकते हो, इसके बाद कोबरा कमांडो बन सकते हो, ये बन सकते हो। कमांडो की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो उसमें कौन कौन भर्ती हो सकता है, उसमें इंडियन आर्मी से भर्ती नहीं किए जाते हैं, उसमें केवल सीएपीएफ से लिए जाते हैं, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, जो कि सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये आते हैं, इनसे भर्ती हो सकते हो आप एसपीजी में। और 35 साल लास्ट इनकी उम्र है भर्ती होने की। नेक्स्ट हो गया कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो में आप अगर सीआरपीएफ में भर्ती हुए हो तो कोबरा कमांडो बन सकते हो। इसके बाद हो गया एनएसजी कमांडो। दो तरीके से भर्ती होती है एनएसजी कमांडो की, एक तो 50% इंडियन आर्मी से आते हैं और 50% आते हैं सीएपीएफ से, जिसमें कि सीएपीएफ में आपको पता है जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं उनसे आप आ सकते हो 50% में। तो आपका पैरा कमांडो हो गया, कैसे जा सकते हो आप उसमें एज ए अग्निवीर, मार्कोस कमांडो हो गया, गरुड़ कमांडो हो गया, एनएसजी कमांडो हो गया, एसपीजी कमांडो हो गया, कोबरा कमांडो हो गया। तो दोस्तों, ये रहे सारे कमांडो जो कि आप इनमें भर्ती हो सकते हो एज ए अग्निवीर या नहीं हो सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी आज सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। इसके बाद कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे कि आपको ऐसे ही डिफेंस से जुड़े हुए वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ कमांडोज के बारे में और जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगला वीडियो मैं किस कमांडो के ऊपर बनाऊं स्पेशल वीडियो, वो हमें कमेंट करके बताएं। और इंडिया का नंबर 1 कमांडो कौन सा है
ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप किस कमांडो में भर्ती होना चाहते हैं, आपको सबसे अच्छा कमांडो कौन सा लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।